राधे राधे, नमस्कार सभी को। आज हम एक ऐसा नाश्ता प्रस्तुत करेंगे, ऐसे तरह का नाश्ता बनाने जा रहे हैं जो बच्चों को पसंद तो आता ही है, साथ के साथ में हेल्दी भी है, बहुत पौष्टिक है और बच्चे बहुत रुचि से इसको खाते हैं। तो हम आज बनाने जा रहे हैं आटे से पेन केक। इसको हम आटे से भी बना सकते हैं, मैदा से भी बना सकते हैं, हम चाहे तो आटा और मैदा बराबर भी ले सकते हैं। और हम जैसे अगर अंडे खाते हैं तो इसमें अगर अंडा मिला दिया जाए तो इसकी पौष्टिकता को ये दुगना कर देता है। इसको कैसे बनाते हैं चलो हम बताते हैं। इसके मेजरमेंट के लिए हमने एक बाउल ली है और इसी बाउल से मैं सारा मेजरमेंट करूँगी। एक बाउल मैंने आटा लिया है, 1/4 पिसी हुई चीनी ली है, 1/2 बाउल मैंने मिल्क लिया है और घी हम डालेंगे इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार, थोड़ा सा सोडा और ये है हमारा वनीला एसेंस, चुटकी भर नमक। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में सबसे पहले हम आटा डालेंगे, इसके बाद हम पिसी हुई चीनी डालेंगे जो कि वजन में लगभग 50 ग्राम है, और आटा लिया है हमने 150 ग्राम। हम कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं मीठा इसमें। और वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। इसको हमें ना तो भिगो के रखना है ना ज़्यादा फेंटना है, बस इसको तुरंत घोलो, तुरंत बनाओ। मैं ये छोटी वाली चम्मच ले रही हूँ, इससे करीब हम 5 चम्मच घी डालेंगे। और दूध हमारे पास मलाई वाला हो तो हम घी कम कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा 1/4 स्पून के हिसाब से मीठा सोडा डाल रहे हैं और दूध से इसका फेन बनाएंगे, एक बैटर तैयार करेंगे गाढ़ा सा। इसमें चुटकी भर हम नमक डालेंगे। नमक हमारे मीठे के टेस्ट को ठीक करता है, उसके अलावा हम जो सोडा डालते हैं उसको भी एक्टिवेट करता है, इसलिए नमक डालना थोड़ा सा ज़रूरी है। जहाँ हम सोडा डालते हैं वहाँ हम थोड़ा नमक अवश्य डालें। और इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करते हैं। इसको ना हमें ज़्यादा फेंटना है ना हमें रेस्ट पर रखना है, बस ध्यान रहे कि लम्स ना पड़े, ज़रूरत हो तो हम दूध या पानी डाल सकते हैं। हमारा बैटर रेडी है। बोलने में ये केक है, वैसे तो हम इसको ओवन में या कुकर में बनाते हैं, लेकिन इसमें ना हमें कढ़ाई की ज़रूरत है ना कुकर की ज़रूरत है, सिर्फ इसको हम नॉनस्टिक तवे पर बनाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। थोड़ा घी डाल के टिश्यू पेपर से इसको साफ करेंगे जिससे कि चिपके नहीं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, बस 1 मिनट में इसको पलट देंगे। 1 मिनट हमको इस बैटर को डाले हो गए हैं और इसमें बबल्स भी आ रहे हैं, और ऊपर से ना सिकने दें इसको, ऊपर से सिकने देंगे तो कम फूलेगा, थोड़ा कच्चा ही रखें, पलट दें। इसको डोरी केक भी बोलते हैं। अगर सही तरह से मेजरमेंट से बनाए तो फ्लफी अच्छा, बहुत अच्छा बनता है, स्पंजी बनता है और सॉफ्ट भी बनता है। अब इसको हम दोनों तरफ से सेक लेंगे, अच्छा फूल गया है हमारा ये केक, बस मिनटों में बनने वाला केक है। तैयार हो गया है, अब हम दूसरा भी डालते हैं। इसी तरह से मैं सारे केक बना के रखूंगी। हम इनको छोटा छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे भी बना सकते हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बच्चों का बहुत हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता है ये, बहुत फेवरेट होता है बच्चों का।
बस मेजरमेंट का ध्यान रखें केक हमारे अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, बीच बीच में हम ट्रिक देते हैं, टिप्स मिलती हैं जिनसे कि अच्छी बनती है अपनी डिश। हमारा 5 मिनट में बनने वाला, फटाफट बनने वाला नाश्ता तैयार है। बस हनी से इनको परोसें बच्चों को। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।